रतलाम जिले के आलोट नगर में नाबालिग से हुए गैंगरेप के विरोध में बीजेपी द्वारा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि रतलाम के सेंट जोसेफ स्कूल की 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म में पुलिस द्वारा आरोपियों का पुलिस रिमांड तक नहीं मांगा गया, न कोई अनुसंधान किया गया। मैं जब से कांग्रेस की सरकार बनी है पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और गुंडा तत्व प्रशासन पे हावी है, प्रशासन अंकुश बना हुआ है। आए दिन ऐसी गंभीर घटना घटित हो रही है जिससे जनमानस पूरा तरह से झकझोर चुका है। घटना का 14 साल की लड़की का रतलाम में सामूहिक रूप से समाज वर्ग के विशेष व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया और जितने अपराधी है एक समाज विशेष वर्ग के लोग हैं वो इस प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं और प्रशासन पीड़ित परिवार को दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस के नेता पीड़ित परिवार को जाकर दबाने का काम कर रही है। साथ ही जब से कमलनाथ की सरकार बनी है सर्वप्रथम सतना में दो नाबालिग बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही शिवपुरी के पास एक गांव में दो दलित भाई बहनों की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो खुले में शौच कर रहे हैं। एक बड़ौदा में जैन साध्वी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में शासन नाम वो प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, पूरे प्रदेश में गुंडा तत्व हावी है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही जो इस प्रदेश में सरकार बैठी हुई है जो प्रशासन पे अंकुश नहीं लगाते हुए गुंडा तत्वों के हाथ में देश की प्रदेश की बागडोर सौंपी है ऐसी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करी है। पहले भी इस प्रकार के विज्ञापन देते गए हैं आप और जहां भी जैसे मंदसौर की एक घटना थी हो, तो क्या उसके बाद कोई परिणाम निकल के आता है? क्या प्रशासन द्वारा उनको फांसी तक की सजा दी जाती नहीं, है? प्रशासन फांसी की सजा नहीं देता है। हमारे प्रजातंत्र में न्यायपालिका है। मंदसौर की घटना में न्यायपालिका ने सजा देने का काम किया है। आज रतलाम कोर्ट में वकीलों ने 24 घंटे का धरना दिया है, आज भी उनका धरना चल रहा है। प्रशासन ने आरोपियों को बिना रिमांड के जेल भेजने का काम किया है। तो वकील अभिभाषकों ने मांग की है कि इसका रिमांड मांगा जाए, तो रिमांड मांगने के लिए वकील जिला कोर्ट में धरने पर बैठे हैं। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। शौरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजातंत्र में गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी इस दौरान मंडल अध्यक्ष दिनेश कोठारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष उपेंद्र सिंह यादव, अनिल भरावा, विक्रम सिंह आंजना, दिलीप डोडिया एवं कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।